हरि प्रकाश त्यागी यूं तो लगभग 30 वर्षों से राजधानी में थे, लेकिन 3 दशकों के लंबे अंतराल के बावजूद उनका शहरीकरण नहीं हुआ था और उनके भीतर का देशज मनुष्य बचा हुआ था। वे खरी संवेदना वाले व्यक्ति थे, शायद इसीलिए अपने दुखों, तनावों, एकाकी जीवन के अंधेरों को जीत नहीं पाए और क्रूर समय के हाथों ठगे गए। उनके बुक कवर डिजाइनिंग के नमूने थे। शुरुआती दिनों में वरिष्ठ चित्रकार हरिपाल त्यागी का उन पर खासा असर था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। हरिपाल त्यागी उनके प्रथम कला गुरु थे। हरि प्रकाश त्यागी की कविताएं अपने समय की क्रूरताओं और जटिलताओं के दस्तावेज हैं। उनके चित्रों में रंग संयोजन और रेखा संतुलन पर किसी का भी ध्यान सबसे पहले जाता है। उनके चित्र कई निजी और सार्वजनिक संग्रहों में सुरक्षित हैं। हरि प्रकाश त्यागी ने कला संबंधी विषयों पर काफी कुछ लिखा। पिछले एक वर्ष तो वे कथा देश के लिए नियमित रूप से एक कॉलम ही लिख रहे थे। उनकी बातें गंभीर होती थीं। चित्रकारों में था जिनकी जो साहित्य और चित्रकला में साथ साथ जीते हैं और एक ख़ास तरह की जो अंतरक्रिया होती है, इंटरेक्शन दोनों के बीच उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। उसकी कविता में एक ख़ास तरह की चित्रात्मकता है और चित्रों में एक साहित्यिक लय है। उसको प्रयोग करते आगे बढ़ते हम सब लोग देखते रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन की उतार चढ़ाव, दुखांत सुखांत सबका मुझे गवाह रहने का मौका मिला और मैं कह सकता हूँ शायद कि ये 30-35 वर्ष का निरंतर चला जाता संपर्क अचानक इस तरह टूट जाए, बहुत तकलीफ भी होती है और एक बेचैनी भी होती है कि यार 48 साल तो कोई उम्र नहीं होती आदमी के चले जाने की। उनसे पहली बार तब मैं मिला था जब वो हंस में उसका कला पक्ष देख रहे थे। उस जमाने में ही मैंने उन्हें जाना था, तब मैंने पाया कि हंस की पत्रिका की जो उस समय एक नया नया जो पत्रिका आई थी हंस, उसको सजाने संवारने प्रस्तुत करने में हरि प्रकाश त्यागी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद संडे मेल नाम का हिंदी का एक साप्ताहिक अखबार निकला था, श्री त्यागी ने उसके भी कला पक्ष को देखा था। उसकी पत्रकारिता, संडे मेल की पत्रकारिता को भी, हिंदी संडे मेल की पत्रकारिता को भी सजाने संवारने में प्रस्तुत करने में श्री त्यागी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अभी जो हिंदी का पिछले एक साल पहले जो एक नया मासिक निकला कथा देश, उसके पीछे श्री त्यागी की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे उसके कला और संस्कृति के संपादक भी थे, साथ साथ उन्होंने
उस पत्रिका के पूरे कलेवर को जिस आकर्षक रूप में लोगों के सामने पेश किया, वह हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता को एक सुरुचि संपन्नता के साथ पेश करने के लिए श्री त्यागी की भूमिका को हिंदी समाज को याद रखना चाहिए। हरिप्रकाश त्यागी रचनाकर्मियों, चित्रकारों और संस्कृति कर्मियों में कितने लोकप्रिय थे, ये पता चलता है उस शोक सभा से जो हाल ही में साहित्य अकादमी सभागार में हुई। तो तमाम शामें याद आती रही जो उसके साथ लड़ते झगड़ते, उसे प्यार पाते, उसे प्यार करते, उसे नफरत करते हुए गुजरी थी। अब मैं किसी भी तरह का दुख सह सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से पिता का छूटना सबसे बड़ा दुख होता है बालक के लिए। बहुत दुख है और नीचे तो मैं ईश्वर के सामने हमारा किसी का बस नहीं है। कथा देश हिंदी की सुनने लोग अपनी पत्रिका में बहुत चाव से देखने पड़ जाती है। नए पुराने सभी लेखकों का एक खास तरह का सम्मान उस पत्रिका को धीरे धीरे मिलता जा रहा है, सही मिलता जा रहा है। और ये बताने की जरूरत नहीं कि उस पत्रिका को जीवंत बनाने में हरिनारायण जी के साथ साथ त्यागी का क्या योगदान रहा है और किस तरह से उन्होंने एक विलक्षण जीवंत पत्रिका के रूप में उसको प्रतिष्ठा दी है। उन्होंने हजारों हजारों शब्द पर रेखांकित कर रहा हूँ, उन्होंने हजारों पृष्ठ बनाए थे पत्रिकाओं के, लेखकों की पुस्तकों के और तमाम फोल्डर और तमाम चीजें। वो ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी उस आदमी में कि मैं साक्षी हूं उसका। यदि हम लोग बैठे बात कर रहे हैं, एक प्रकाशक बंगलौर से आया है या जम्मू से आया है, वो कहता है कि ये कवर मुझे आधे घंटे में चाहिए। वो केवल विषय पूछता था और बनाने बैठ जाता था। अब मुझे विश्वास है वो हजारों कवर जो उसने बनाए हैं वो सभी ऐसे थे जिनको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। हरिप्रकाश बाद के दौर में लगातार देखकर यार कि वो आदमी एक कविता, कला, दोस्ती हर स्तर पर एक अकेले में एक अकेला आंदोलन पीता है। इतना आकस्मिक रूप से वो चले जाना उनका इस तरह का इतना कल्पनातीत है कि वो विश्वास मुझे आज तक नहीं होता कि इतना जीवंत और इतना हस्त पुष्ट तो लंबा चौड़ा आदमी जो था वो इससे जल्दी चला जाएगा। हमेशा उनके चेहरे पर एक हंसी तो खैर रहती थी और हमेशा एक वादा होता था कि कभी मिलकर बैठना है। और उस कभी मिलकर बैठने के पीछे साहित्यिक चर्चा भी होती थी, कला पर चर्चा भी होती थी और निजी चर्चा भी होती थी। उस उम्र में वो शायद 10 साल छोटे रहे होंगे, ये 17 वर्ष पहले तो लगता था बड़ा भारी फ़र्क है, लेकिन अब आते आते लगता था जैसे कि वो समकालीन हैं। मेरा विवाह 55 में हुआ था, उस वक्त मेरी उम्र 21 वर्ष की थी और हरिप्रकाश तो 6 साल का बच्चा था। लेकिन विवाह के 1 साल बाद हरिप्रकाश के माता पिता गुजर गए थे किसी बीमारी के कारण। उसके बाद कुछ दिनों वो अपने भाई के यहाँ रहे और फिर बचपन में ही कोई 10-11 साल की उम्र में वो मेरे पास आ गए थे, अपनी बहन के साथ रहते थे और वो 12 साल तक लगभग मेरे साथ रहे।
कॉलेज ऑफ आर्ट में उनका मैंने दाखला दिखाया, मैं उनको कुछ सिखा दाखला कराया, कुछ सिखाता भी था मैं उनको। और वहाँ जाने के बाद, कॉलेज ऑफ आर्ट में जाने के बाद, उन्होंने जो वो वहाँ सीख के आते थे वो मुझको बतलाते थे। इसके अलावा वो क्या था कि अपनी ड्राइंग की एक एग्जीबिशन उसी समय उन्होंने बहुत पहले ही वो लगाई थी शिल्पी चक्रा में, जो सुपर बाज़ार के पास क्या शंकर मार्केट है वहाँ मौजूद था। ये हो सकता है कि उसने किसी भी विधा में कोई विशेष स्थान न बना पाया हो, लेकिन एक लड़ाई तो लगातार लड़ता रहा। वो एक चित्रकार था, साहित्य में भी उसकी रुचि थी, पत्रकारिता भी वो करता था, कुछ किताबों का संपादन भी उसने किया है, लेकिन कुल मिलाकर वो क्या था ये मैं ठीक से समझा नहीं। त्यागी जी, यूँ तो मैं जब से हंस शुरू हुई थी तभी से मैं जानता, मतलब परिचय में आए थे, हम लोग काम करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करीब आए वो साल डेढ़ साल जब से कथा देश शुरू हुई और दिलशाद गार्डन में आकर रहना उन्होंने शुरू किया। और मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा अकेलापन जो फील करते थे और बांटने वाला, चूँकि मैं भी उसी तरह का अकेलापन भोग रहा था, तो हम दोनों एक तरह से बहुत ही एक साथ इस तरह का बांटते थे आपस में। सन 1985 में उनका ये पहला कविता संग्रह छपा, नाखून उखड़ने की रात। मुझे 19 मई सन 85 में ये कविता संग्रह उन्होंने भेंट किया और बड़े स्नेह से समर्पित किया कि अब दो दशक बाद इन कविताओं को मैं देख रहा हूँ जिन्हें सन 65 में देखना मैं चाहता था। मित्रों का हरी चला गया और उसका जाना कुछ इतना आकस्मिक है कि अभी तो ये भी ठीक से महसूस हो नहीं रहा कि हम कितने संतप्त हैं। उनके पुराने मित्र और वरिष्ठ कथाकार रमेश उपाध्याय ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि एक कविता के रूप में दी। कविता का शीर्षक है, हरिप्रकाश त्यागी अभी यही है। उसके पास ढेरों दुख थे और थोड़े से सुख, जैसे फुर्सत में बतियाते हुए जोर से हंसना, सिगरेट पीते हुए खांसना, खांसते हुए सिगरेट पीना, फिर खांसना और फिर हंसना। सिगरेट पीना छोड़ देने की दोस्ताना सलाहों पर मौत से अपनी दोस्ती की बात बताकर अपने जीवंत दोस्तों को चौंकाना शायद उसका सबसे बड़ा सुख था, जैसे बातचीत के बीच से अचानक उठकर कहीं चले जाना और फिर कई दिनों या महीनों गायब रहकर अचानक पुनः प्रकट हो जाना, जैसे खुद ब खुद खो गया सिक्का खुद ही खनखनाता हुआ मिल जाए। मरकर भी उसने चौंकाया, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि वो अपनी शोक सभा में अचानक हंसता हुआ आ जाए और आपसे माइक छीन कर स्वयं ही स्वयं को श्रद्धांजलि देने लगे। मैं हरिप्रकाश त्यागी, मरहूम हरिप्रकाश त्यागी को जन्म से ही जानता था। मरहूम शहर में आया हुआ एक देहाती था जिसने शहर को जीता अपने काम से, अपनी मेहनत और जिंदादिली से, लेकिन खुद शरीफ शहरी कभी नहीं बना। तोड़ता रहा सारे नियम उनकी जिंदगी, कला और कविता के, जो समझते थे खुद को शरीफ शहरी। मरहूम हरिप्रकाश त्यागी मुझसे कहा करता था, चौंकाना छोड़िए त्यागी जी, चौंकना सीखिए। आज का मध्यवर्ग 19वीं सदी का यूरोपीय मध्यवर्ग नहीं, इसे आप क्या लताड़ेंगे, ये तो आपको लताड़ रहा है। मैं हरिप्रकाश त्यागी, मरहूम हरिप्रकाश त्यागी के दुखों को जानता हूँ। जब वो दुखी होता था मुझसे कहता था, ये सब क्या हो रहा है त्यागी जी, आप एक भयानक चित्र बनाते हैं कि वो दुनिया को हिला दहला दे, लेकिन वो एक खूबसूरत शो पीस बनकर टंग जाता है उस दीवार पर जो सारी दुनिया को भयानक बनाती है। आपकी कविताएं और कलाकृतियां आपकी इच्छा या इजाज़त के बगैर बाज़ार में चली जाती हैं, उनकी जगह लौट कर आते हैं रुपये। रुपयों से बनाना चाहते हैं आप एक घर, लेकिन घर की जगह खड़ा हो जाता है एक मकान जो फेंक देता है आपको फुटपाथ पर, जहाँ आप अकेले होते हैं, एकदम अकेले, और वहाँ आपको अकेले पड़े देख कोई चौंकता नहीं। ऐसी बातें करता था मरहूम हरिप्रकाश त्यागी। खैर, आप उसके लिए शोक व्यक्त कीजिए, मैं बाहर जाता हूँ, एक सिगरेट पीकर उसे श्रद्धांजलि दूंगा।
कोई आश्चर्य नहीं कि अपने लिए होने वाली इस शोक सभा के समय वो सचमुच बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा हो। सुनिए, वो खांस रहा है और हंस रहा है। ज़रूर वो बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा है। उनकी स्मृति को बार बार नमन।